आज की रेसिपी आप दो तरीके से खा सकते हो, हॉट भी खा सकते हो और कोल्ड भी, और दोनों ही इतना टेस्टी बनता है, आपको क्या बताऊं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 लीटर मिल्क, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था, इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। मिल्क को थोड़ा सा उबाल आने देना है और थोड़ा सा कम कर लेना है, मतलब 100% से 70% तक कर लेना है, ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है मेल्टेड चॉकलेट, मतलब जो डेयरी मिल्क होता है वो ऐसे ही मेल्ट हो गया था, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। आपके पास अगर फ्रोजन चॉकलेट है वो भी आप डाल सकते हो, वो भी इसमें मिल्क में डालने से वो मेल्टेड हो जाता है, पर पानी में मत डालना, चॉकलेट पानी में कड़क हो जाता है और बर्न हो जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसको भी थोड़ा सा बॉयल कर लेना होगा और बॉयल करने के बाद थोड़ा सा मिल्क साइड ले लेना होगा, क्योंकि हम लोग इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर कॉर्नफ्लावर डालने से ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। देखिए अभी ये इतना सा पतला है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है और आपको कॉर्नफ्लावर डालने के बाद याद रखें ज़्यादा उबालना नहीं है, नहीं तो ये मतलब लम्स आ सकते हैं। मुझे कॉफ़ी फ्लेवर बहुत ही पसंद है तो इसलिए मैंने डाला था थोड़ा सा कॉफ़ी और थोड़ा सा चीनी भी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर स्लरी, और इसे डालने के तुरंत बाद ही आपको इसे अच्छे से मिक्स करना होगा, नहीं तो इसका नीचे एकदम बड़ा बड़ा गुठलियाँ मतलब लम्स हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिला के आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, आप गैस का फ्लेम ऑफ करके भी इसे मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद तुरंत ही आपका गैस का फ्लेम एकदम ऑफ कर देना होगा। और ये हो गया तैयार हॉट कोको। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, एकदम प्लेन एंड सिंपल, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता है, पर बनाने के बाद मुझे लगा कि मैं हॉट कोको नहीं पीऊंगी, मुझे कोल्ड चाहिए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने रख दिया था। और ठंडा होने के बाद आपको इसे आइस के साथ ही सर्व कीजिए, तो ये और भी चिल्ड हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा और चॉकलेट डाल दिया था और इसका टेस्ट इतना अच्छा बना था, आपको क्या बताऊँ। हॉट भी अच्छा लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था, और ठंडा वाला तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना अच्छा बना था। और आप इसे खाइए, टेस्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।